हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबोर्ड। दिस इज हिमांशु शर्मा और यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आए। इस इम्पॉर्टेंट सेशन की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द पर्टिकुलर सेशन जहाँ हम लोग एमसीक्यूज को कवर अप करने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे काफी सारे। तो इस इंडिविजुअल या मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर होने वाले हैं या मिलने वाले हैं मॉड्यूल बी के। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, और जितने भी आपके मॉड्यूल बी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम इस आने वाले पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करने वाले हैं। बिल्कुल, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट फाइंड द करेक्ट मैच। अब इसमें से कौन सी चीज है जो करेक्ट है, राइट? साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग एडम स्मिथ कहते हैं भाई, साइंस ऑफ वेल्थ बींग वेल्थ एसी पियोग कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये कहते हैं रॉबिन्स, लाइन्स लाइनस रॉबिन्स कहते हैं, और नन ऑफ द अबव। अब आपको ये बताना कि इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, राइट? आई कैन सी ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इसका सी ही है। ये अगर मैं बात करूं तो वेलबींग की बात एडम स्मिथ नहीं करते हैं, एडम स्मिथ बात करते हैं वेल्थ की। किसकी? वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ वेल्थ होता है इकोनॉमिक्स, ये कहते हैं एडम स्मिथ, राइट? यहां पर अगर मैं लाइनन लाइनल रॉबिन्स की बात करता हूं तो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज की, इंसानों के बिहेवियर की, और रिलेशन बिटवीन एंड एंड स्कार मीन्स। सर यहाँ पर दो टर्म्स आए, एक होता है एंड्स, एक होता है मीन्स। एंड्स मतलब रिसोर्सेज, मीन्स मतलब वॉन्ट्स, राइट? तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कही जाएगी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं। अब हाँ, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर आपको, एक डिफरेंस और मैं यहाँ बता देता हूँ। वो डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पर एक होता है आपका नीड और एक होता है आपका वॉन्ट्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नीड्स का मतलब होता है जो हमारे लिए जरूरी है जीवन में। इसका करेक्ट आंसर तो सी हो गया, हमारे लिए जीवन में जो जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, वो आपके नीड्स होते हैं। वॉन्ट्स का मतलब जैसे रोटी की मैं बात करूँ तो एक कोई भी इंसान जो जनरल एक पब्लिक है उसको खाने को अगर चाहिए तो क्या चाहिए? बेसिक दो टाइम का खाना मिल जाए, दैट्स इट। पहनने को कपड़े मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए जहां उसको आराम से अपना जीवन यापन कर सके, ये हो गई नीड्स। लेकिन अगर मैं वॉन्ट्स की बात करता हूँ तो वॉन्ट्स इज अ नेवर एंडिंग थिंग जो कभी भी इंसानों की खत्म नहीं होती है। एक वॉन्ट्स कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, और हमारी दूसरी वॉन्ट्स तैयार हो जाती है, एक दूसरी मांग हमारी तुरंत तैयार हो जाती है कि भाई अब हमें ये काम करना है। जिन लोगों ने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, भाई जल्दी से सेशन को कर दो लाइक, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि सेशन आपको सही लग रहा है ना। तो यहाँ पर नीड और वॉन्ट्स का मतलब क्या हुआ? नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, नीड्स हो गया। लेकिन अगर मैं वॉन्ट्स की बात करूँ तो वॉन्ट्स क्या है? वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम बात करें किस व्यक्ति की, रोटी की, तो फूड में कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई मैं तो खाऊंगा तो सिर्फ इटालियन क्यूजाइन ही खाऊंगा, या फिर मुझे चाहिए पिज्जा, या मुझे चाहिए यहाँ पर क्या बर्गर, मैं डेली यही चीजें खाऊंगा, मुझे रोटी नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ? सीधी सी बात है कि उसकी नीड जो रोटी की थी वो रोटी की थी, लेकिन उसने वॉन्ट्स में इसको कन्वर्ट किया तो एक स्पेशलाइज उसने डिमांड क्रिएट कर दी। अब बात करें कपड़े की, क्लोथ्स की, तो बेसिक कपड़े भी तो आपके जीवन के लिए ठीक होते हैं, आपकी बेसिक नीड को फुलफिल कर देते हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो गुच्ची के ही कपड़े पहनूंगा, अरमानी से नीचे मुझे कपड़े चाहिए नहीं, दिस इज द वॉन्ट। एंड अगर मैं बात करूं मकान की, तो मकान एक दो कमरे का भी हो सकता है, एक कमरे में भी लोग रह लेते हैं उनकी जरूरत अगर है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन आप कहोगे नहीं हमें बंगलों में ही रहना, दैट इज द वॉन्ट। तो नीड मतलब जो बेसिक होता है, जिसकी नेसेसिटी जिसको हम बोलते हैं, और वॉन्ट्स का मतलब होता है ये नेवर एंडिंग थिंग होती है, जब इफ यू सेटिस्फाइड योर वन वॉन्ट एंड एक नई जो वॉन्ट्स होती है वो आपके सामने तैयार हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो बिहेवियर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, स्कार्स मीन्स का मतलब होता है मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेज, और एंड्स मतलब होता है वॉन्ट्स, सॉरी। हाँ, तो एंड्स मतलब हो गया वॉन्ट्स, स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब, स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में, और वॉन्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वही कहलाता है आपका साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? ये किसने कहा? लाइनल रॉबिन्स ने कहा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज दे, जो हमारे इकोनॉमिक गुड्स होते हैं वो हमारे लिए स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड
रिसोर्स कहलाते हैं। क्यों भैया, इनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, लिमिटेड इन मैनमेड गुड्स। ये हमारे जो मैनमेड गुड्स होते हैं उसमें ये लिमिटेड है, कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी। इनमें क्या होता है, जो क्वांटिटी होता है वो इंक्रीज नहीं की जा सकती है। डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये इस मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं ताकि ये सेटिस्फाई कर सके, पूरा कर सके, पूर्ति कर सके हमारी सोशल रिक्वायरमेंट्स को। इसलिए हम इनको स्कार्स रिसोर्सेज बोलते हैं। या फिर क्योंकि ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट होते हैं या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, जो सोशल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में, सेटिस्फाई करने में, राइट? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है। वेरी गुड। इससे पहले मेरी जो क्लासेस हैं वो मॉड्यूल ए की 3 क्लास आई हैं सर, ठीक है? ये चौथी क्लास अगर मैं ऐसे देखूं तो ये क्लास आपकी जो है वो कौन सी है, मॉड्यूल बी की, राइट? चलिए बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है। रवि तेजा आंसर्ड, प्रिया आंसर्ड डी। देखते हैं अब आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। ये लिमिटेड होते हैं मैनमेड गुड्स, ऐसा नहीं है। कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकते हैं। दूसरा सी कहता है कि उस मात्रा में एग्जिस्ट नहीं करते, उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है जो हमारी सोशल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल या सेटिस्फाई कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। स्कैर्स रिसोर्सेस का मतलब होता है लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज का अवेलेबल होना। अब रिसोर्सेज अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो क्वांटिटी, जो मात्रा है वो उतनी नहीं है जितनी कि हमारी सोशल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दें। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज बोल देते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। चलो, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, बाय कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, वोट्स टेकन बाय द कंज्यूमर्स, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे पहली इकोनॉमी होती है जिसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, और यही जो इकोनॉमी होती है ना इसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलेंगे। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर जो मनी सॉरी जो मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या हमें प्रोड्यूस करना है, किस मात्रा में प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किन के लिए करना है और उसका प्राइस क्या होगा। इट्स ऑल डिसाइडेड बाय दी मनी, जो कैपिटलिस्ट होते हैं या फिर मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिसाइड करेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम क्या बोल देते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक, यहां तक समझ आया होगा। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है इंस्टीड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा एक चीज और ये होती है कि यहां पर ये क्या करते हैं, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे टाइप की इकोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। और कमांड इकोनॉमी को हम एक तरीके से सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, राइट? तो ये एक होती है समाज पर आधारित। इनका मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर इंस्टीड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट मोर एंड मोर। और ये टाइप की इकोनॉमी में जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय दी गवर्नमेंट। जो सेंट्रल पावर होती है वही यहाँ पर मेजर डिसीजंस लेती है इंस्टीड ऑफ कैपिटलिस्ट। लेकिन इसमें जो मेजर डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? तो यहाँ पर जो मेजर डिसीजंस होते हैं आर टेकन बाय दी मार्केट फोर्सेस। क्लियर? चलिए अगला, इसका करेक्ट आंसर मुझे बताया है आप लोगों ने। फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो हम एलोकेशन जो रिसोर्सेज का करेंगे वो डिटरमाइन किसके आधार पर होगा? लेबल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, कंज्यूमर प्रेफरेंस, वोट्स टेकन बाय द कंज्यूमर्स, अ सेंट्रल प्लानिंग। अब इतना समझने के बाद आप आंसर सही कर दोगे, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, की जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है हमारी फर्म का उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि एलोकेशन हमें क्या करना है रिसोर्सेज का, राइट? ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम लोग, है ना? यहाँ बी दिख रहा है गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग अ मार्केट सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, हम इनमें से किसको कंसिडर करेंगे कि एक तरीके का डिसएडवांटेज है ये, जब हम एलोकेट कर रहे हैं, जब हम बांट रहे हैं रिसोर्सेज को मार्केट सिस्टम के थ्रू, तो हम किसको यहाँ पर डिसएडवांटेज कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जिसको हम यूज नहीं करेंगे। करेक्ट भाई, सेशन को लाइक सभी लोग कर देंगे, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट मे ओकर, कि जो सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वो, प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, जो प्रॉफिट है वो लगातार कम होना, इट कैन नॉट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ स्कैर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो हमारा प्रिवेंट हम करते हैं या नहीं कर सकते हैं किसको, हमारे स्कार्स लिमिटेड रिसोर्सेज को, इनकम विल टेंड्स टू बी अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। हाँ जी, राइट, करेक्ट, जो भी आपको लग रहा है वो बता दीजिए। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल इनकम का जो होगा ना, इनकम की अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, यहां पर क्या होगा, जो इनकम होगी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये एक डिसएडवांटेज होगा जब हम एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को मार्केट सिस्टम के बेसिस पर, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है उसमें सेंट्रल मतलब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपको बताना है। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि गारंटी करना मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग्स फॉर एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन के लिए हमें मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग की गारंटी देना, एक इवेल्यूएट करना और कंपेयर करना सक्सेस ऑफ मार्केट और कमांड इकोनॉमीज का, या हमें गारंटी करना कि जो प्रोडक्शन है वो मोस्टली प्रॉफिटेबल वे में ही जाएगा, और अलोकेट करना स्कैर्स रिसोर्सेज को इन अ वे दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइड एज वेल एज पॉसिबल। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारी, क्या किसी भी इकोनॉमीज की, क्या बता रहे हैं आप लोग, सी बोल रहे हैं सर, कि सर इसका करेक्ट आंसर तो होना चाहिए सी, की गारंटीड दैट प्रोडक्शन ऑकर्स इन द मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट वे में ही हम प्रोडक्शन करेंगे, राइट, यही होगा क्या, लेट्स सी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से सोसाइटीज की अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें इन अ पॉसिबल वे, कि वो अनलिमिटेड जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो सब तक पहुंच जाएं और उनकी नीड्स भी पूरी हो जाएं। ये एक बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, करेक्ट। राइट, क्लियर है यहां तक, मुझे लगता है आपको चीजें समझ आई होंगी, डाउट हो तो पूछते चलना, लेकिन सेशन को लाइक सभी लोग कर देंगे जितने लोग भी लाइव हैं, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, जो हमारी डिमांड है ना उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड कैसे होगा, क्या हम इनकम जो डिक्रीज कर दें, इनकम ऑफ परचेजर्स जो खरीददार हैं, जो कंज्यूमर से उनकी इनकम को हम कम कर दें, तब हमें डिमांड में कमी दिखाई देगी। दूसरा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, जो गुड्स के प्राइस है ना उनको इंक्रीज कर दें, या फिर हम डिक्रीज कर दें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब जो खरीददार है उनकी संख्या को कम कर दें। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स की जो प्राइजेस हैं उनको हम कम कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है हमें किसमें, डिमांड में दिखाई देगा, राइट। चलिए देखते हैं भाई करेक्ट आंसर क्या बोलता है इसका। करेक्ट, बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। हाँ जी, राइट,
बोल रहा है सर, बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजर। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, ये तो ऐसा फैक्टर है जो एक्सेप्शनल है, हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्राइस ऑफ गुड्स को, तो आपकी डिमांड अचानक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड में भी कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड व्हिच वी क्वांट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट वी डिमांडेड, वो हम अपने आप से क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आप इंक्रीज कर दो डायरेक्टली प्राइस ऑफ गुड्स का, तो अपने आप यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको डायरेक्टली क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा कि आपने जो डिमांड पहले जितनी क्वांटिटी हम परचेज करने के लिए डिमांड कर रहे थे ना, उस डिमांड को हम यहाँ पर कम कर ले रहे हैं, राइट। अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए डेयरी मिल्क का प्राइस बढ़ता है, वी विल एक्सेप्ट द डिमांड कर्व ऑफ पर्क टू, राइट, सॉरी डेयरी मिल्क टू। अगर हमने यहाँ बात की है डेयरी मिल्क की कि डेयरी मिल्क का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो डेयरी मिल्क का जो कर्व है उसमें हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये शिफ्ट टुवर्ड्स राइट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, इनिशियली शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड देन राइट, ये शिफ्ट होता कैसे, देखो यहां पर हम लिखते हैं प्राइस, यहां पर हम लिखते हैं क्वांटिटी, राइट, तो इस हिसाब से ऐसा कर्व बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम प्राइस को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कब हो कम होगी, तो ये यहाँ जो था ना ये कर्व, ये पीछे आएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, राइट। क्लियर, सेम चॉकलेट के केस में हम बात कर रहे हैं, राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पर वैरी कर देंगे, एक चॉकलेट दूसरी रखिए, दूसरी हम वहां पर दूसरी रख लें, तब फिर दूसरी चॉकलेट की डिमांड क्या होगी, राइट शिफ्ट हो जाएगी। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ वॉचेस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो मूवमेंट हमें दिखाई देता है अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ वॉचेस, घड़ियों के मांग में, वो क्या डिस्क्राइब करता है कि डिक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द डिमांड, चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। मैं डिमांड कर्व बना देता हूं, ये है आपका प्राइस 100, 200, 300, 400 और ये 500 प्राइस हुआ, ये क्वांटिटी 10, 20, 30, 40, 50, राइट। अब जब 100 रुपये प्राइस था तो 9 रुपये, सॉरी इसकी डिमांड जो थी ना, क्वांटिटी डिमांडेड वो 40 थी, जैसे ही 200 हो गया कम हो गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। तो अगर मैं मूवमेंट की बात करूं डिमांड कर्व में वॉचेस का, तो वो क्या दिखा रहा है कि डिक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द डिमांड, चेंज इन द डिमांड, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसमें चेंजेस हैं या डिमांड में चेंज है डायरेक्टली, राइट। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं प्राइस की या किसी भी चीज की, तो वो बेसिकली हमें किस में दिखाई देता है, वो बेसिकली हमें दिखाई देगा किस में, उसकी क्वांटिटी में, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है वो क्वांटिटी बेस्ड होता है, तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए, जब भी कभी कोई इकोनॉमिस्ट बोलता है कि यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की अगर वो बात कर रहे हैं, तो व्हाट इट मींस, उसका मतलब क्या होता है, उस टाइम पे वो क्या कहना चाह रहा है कि यूजफुलनेस ऑफ गुड्स इन कंजप्शन, कि जो कंजप्शन कम हम करेंगे उस गुड्स का, उसका कितना यूजफुलनेस है हमारे लिए, डिमांड फॉर द गुड कितनी होगी, क्या होगी, रेट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर, कि जो रेट होगा जिस चीज पर कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड्स को एक्सचेंज करेगा दूसरे गुड्स के बदले में, या फिर सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रहा है फॉर कंज्यूमिंग द गुड, उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो सब लोग आंसर करो तब समझ आएगा, डिमांड नहीं होता यूटिलिटी का मतलब, डिमांड बिल्कुल नहीं होता है, यूटिलिटी का मतलब है कि मैंने फोन खरीदा तो उसका यूटिलिटी, मैं उस चीज को खरीदने के बाद कितना सेटिस्फाइड हूं, या मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला उस चीज को कंज्यूम करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट
करेक्ट आंसर फॉर दिस यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड राइट। चलिए इसी सेशन के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर हमारा एक बैच है जिसका नाम है JAIIB श्योर सक्सेस बैच। इस श्योर सक्सेस बैच में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको मिलेंगे कुछ लाइव क्लास। यदि आपने अभी तक भी अपनी JAIIB की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी JAIIB की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं विद द JAIIB श्योर सक्सेस बैच। इसमें आपको हमारे क्रैकर बैच में जिसमें MCQs कराए गए हैं वो MCQs की रिकॉर्डिंग होगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको 7 डेज लगातार यहां पर मिलने वाली है मैराथन क्लासेस पेड बैच में। और इन मैराथन क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, इन मैराथन क्लासेस में आपको 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की लगातार क्लासेस मिलेंगी जहां पर हम कॉन्सेप्ट के साथ MCQs भी कवर अप कराएंगे। चारों सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी आपको मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वीक की मैं बात करूं तो 1 जून से ये बैच स्टार्ट होगा। पहले वीक में आपको यहां पर 2 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, IE/IFS और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे ही आपका 9 तारीख को पेपर कंप्लीट हो जाएगा IE and IFS का, उसी दिन इवनिंग से आपको PPB की क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगे। जैसे ही PPB का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन से AFM की क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस बैच में यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एनरोल कीजिए, और आप अगर यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको यहां पर मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्काउंट का परसेंटेज वेरी करता है उस टाइम क्या ऑफर चल रहा है, लेकिन हाँ अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमारे पर्टिकुलर कोर्स पर। तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए JAIIB श्योर सक्सेस बैच के साथ और अपने JIIB सर्टिफिकेशन को कीजिए 1st अटेम्प्ट में क्वालिफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मनी सप्लाई मेजर अडॉप्टेड इन 1977 इज करेक्ट। 1977 में हमने जो मनी सप्लाई मेजर्स जो थे उनको हमने अडॉप्ट किया था, तो कौन सा मेजर करेक्ट था। M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ विद द पोस्ट ऑफिस। M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। और ऑप्शन नंबर डी द ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट आंसर। तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए भाई लोग सभी लोग। हाँ जी, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या चारों ही सही है, मतलब सी सही है या फिर चारों ही सही है, बताइए राइट। देखिए यहां पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं मनी सप्लाई की तो पहले अपन समझ ले मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब होता है द करेंसी इन सर्क्यूलेशन इन एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो मनी की या करेंसी का जो सर्क्यूलेशन होता है उसी को हम यहां पर मनी सप्लाई कंसीडर करते हैं। मनी सप्लाई के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजों को मनी सप्लाई अफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज भी मनी सप्लाई के कारण क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अफेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मनी सप्लाई में जब हम मनी मेजर की बात करते हैं तो M1, M2, M3 और M4 के फॉर्म में हम इसे कंसिडर करते हैं। वेयर M1, M2 जो होता है वो अब नैरो मनी होता है, M3, M4 जो होता है वो ब्रॉड मनी कंसिडर किया जाता है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मोस्ट लिक्विड का मतलब है जहां पर मैं बात करूंगा किस चीज की, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट की, जिसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो जिस भी टाइप की करंसी मनी सप्लाई में हम यहां पर डिमांड डिपॉजिट को लेकर के चलेंगे वो सबसे ज्यादा क्या माना जाएगा, मोस्ट लिक्विड कंसिडर किया जाएगा। तो मोस्ट लिक्विड कौन सा होगा, तो मोस्ट लिक्विड होगा M1, M2, M3 या फिर M4। तो आपको बताना है यहाँ पर M1, M2, M3 या फिर M4 होगा जो यहाँ पर कंसिडर करेगा सबसे ज्यादा किस चीज को, लिक्विड। मतलब मोस्ट लिक्विड का मतलब है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जहां पर है, जिसे हम डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट करा सके, बताइए कौन सा होगा सबसे ज्यादा लिक्विड।
M1, M2, M3 या फिर M4? आंसर्स नहीं आ रहे हैं भाई, आंसर कीजिए सभी लोग, और सेशन को पहले लाइक कर दीजिए जल्दी से जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। राइट, बी नहीं, सबसे ज्यादा लिक्विड जो होगा वो होगा M1। क्यों होगा? क्योंकि M1 में हम हमेशा क्या करते हैं, डिपॉजिट या बोल सकते हैं द मनी सप्लाई विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो मनी है वो, प्लस जो भी बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट में जमा है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये वो अमाउंट होता है या जो बोल सकते हैं ये वो मनी होता है जो डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्टली निकाल करके ऑन डिमांड पब्लिक यूज कर सकती है, सीधा कैश है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए M1 जो जिसे हम बोलते हैं नैरो मनी, ये सबसे ज्यादा लिक्विड कंसिडर किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपके JAIIB 2023 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए तो यहां पर हमने क्या किया, हर एक क्लास को मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 लेक्चर में हमें ये सारी यूनिट्स को कवर करना है, तो किसी दिन हम 2 यूनिट, किसी दिन हम 1 यूनिट को लेकर के चल रहे हैं। राइट, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये कहता है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं इनके बेसिस पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये आपको बताना। पहला, डेपोजिट्स आर क्रिएटेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। जो हम डिपॉजिट क्रिएट करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और दूसरा कहता है कि दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मतलब जो डिपॉजिट्स हैं हम सिर्फ उनको डिपॉजिट बोलेंगे जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट है मनी, एक। और दूसरा कहता है कि ये जो मनी सप्लाई में हम बात करते हैं डिपॉजिट की, तो ये मेजर सोर्स माना जाता है मनी सप्लाई में हमारी कंट्री में, चाहे वो डिपॉजिट किसी भी तरीके से कैसा हो, चाहे वो डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में हो, या फिर दूसरी जो सेविंग्स स्कीम्स होती हैं उसके फॉर्म में हो, उसे हम यहां पर डिपॉजिट बोलेंगे। और जो डिपॉजिट होगा वही डिपॉजिट जो होंगे वो मेजर सोर्स माने जाएंगे मनी सप्लाई के हमारी कंट्री में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी? सौरभ श्रीवास्तव आंसर्ड ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई? हाँ जी, राइट, मुक्ता आंसर्ड ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, वेरी नाइस। करेक्ट, देखा जाए तो ऑब्वियसली डिपॉजिट जो भी हम बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करते हैं उनको हम डिपॉजिट कंसीडर करते हैं, और ये मेजर सोर्स माने जाते हैं मनी सप्लाई का हमारी कंट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं। क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई वॉज प्रोनाउंस्ड बाय दी मिल्टन फ्रेंडमैन एंड एना स्वेड्स। राइट, सॉरी, फर्स्ट ये होगा, इट इज प्रोनाउंस्ड बाय दी मैनी मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना स्वर्ड्स। इसको हम मानेंगे यहां पर फर्स्ट वाला है ना, मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई वॉज, है ना, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा इट इज प्रोनाउंस्ड बाय दी मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना स्वर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है मनी मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू M0, जिसे हम क्या बोलते हैं यहां पर, रिजर्व मनी डिवाइडेड बाय M3 ब्रॉड मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू रियल GDP डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी, मतलब यहां पर M3। इन्फ्लेशन लेड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर, द जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय दी मनी मल्टीप्लायर। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
ओनली 135, ओनली 145, ओनली 235 और 234, बताइए। करेक्ट। तो पहले अपन स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं एक एक करके। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है M0 डिवाइडेड बाय M3, करेक्ट है राइट। पहला वाला मिल्टन फ्रेडमैन एना स्वेट्स, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। थर्ड की बात करें, वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी, या रियल नहीं आता है आपका, नॉमिनल जीडीपी। क्या आएगा? नॉमिनल जीडीपी। तो थर्ड हो गया आपका इनकरेक्ट। तो जहां जहां भी थर्ड ऑप्शन दिखेगा ना, वो आपका इनकरेक्ट होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कहता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो परचेजिंग पावर में कमी मिलती है। परचेजिंग पावर होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। परचेजिंग पावर समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि जो हमारी मनी होती है, उस मनी की क्रय क्षमता कितनी है, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, परचेजिंग पावर का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 10 रुपए को पहले, आज से 5 साल पहले हमने 10 रुपए को भेजा और 10 रुपए से बोला जाओ 10 रुपए आप समोसा लेकर के आओ। हमारा 10 रुपए गया और 2 समोसे लेकर के आ गया। कितना समोसा ले आया? 2 समोसा। तो 2 समोसा हमें मिल गए 10 रुपए में। 10 रुपए जब गुस्से में वहां पहुंचा और समोसे वाले से बोला कि ए समोसे चलो उठो मेरे साथ चलो, तो 2 समोसे उसके साथ डर के मारे बेचारे चल दिए 10 रुपए के साथ में। लेकिन जब मैं आज की डेट की बात करता हूँ, यही 10 रुपए जब जाता है समोसों को लेने और समोसों से बोलता है ए समोसे चलो उठो मेरे साथ चलो, तो समोसे अब ताकतवर हैं, वो कहते नहीं जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के, बड़ी मुश्किल से ये 10 रुपए जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से एक समोसा ला पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समोसा जो था वो वही है, 10 रुपए पहले इतना पावरफुल था कि वो 2 समोसे को उठा करके ले आता था, अब 10 रुपए इतना मजबूत नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि वो 10 समोसों को ला पाए, तो वो एक समोसा लेकर के आता है। इसी को हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। तो परचेजिंग पावर की जब बात आती है इन्फ्लेशन, अब इसके साथ एक टर्म और जुड़ा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या महंगाई। इन्फ्लेशन को सीधे सीधे शब्दों में ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, किसी भी गुड्स या सर्विस, किसी भी वस्तु या सेवा का यदि दाम बढ़ रहा है या बढ़ गया है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। राइज इन प्राइस नोन एज इन्फ्लेशन इन अ सिंपल वर्ड, करेक्ट। तो सिंपल वर्ड में हमने क्या बोल दिया इसको? इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहां पर बोला कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो परचेजिंग पावर में कमी होगी। एग्जैक्टली परचेजिंग पावर में आपके कमी होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि 10 रुपए पहले 2 समोसे ला रहा था, अब 10 रुपए एक ही समोसा ला पा रहा है। तो मनी सप्लाई तो उतनी थी, लेकिन कमी किस में हो गई? पावर में। किसकी? मनी की। परचेजिंग पावर मनी की डिक्रीज हो गई। तो ये वाला भी सही है। तो देखो, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ भी सही है। फिफ्थ की बात करें तो जनरल प्राइस लेवल ऑफ मेजर्ड बाय अ मनी मल्टीप्लायर, तो ये भी आपका सही होगा। तो 1, 2, 4, 5 सही है। 1, 2, 4, 5 कहीं दिख रहा है? इसमें हम ऐड कर लेंगे 1, 2, 4, 5, तो बी को करेक्ट कर देंगे। बेसिकली ऑप्शन यानी है नन ऑफ द अबव का भी नहीं। तो 1, 2, 4, 5 आपका करेक्ट है, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। क्लियर? चलिए आगे चले। विच इज कॉल्ड ब्रॉड मनी फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से हम किसको ब्रॉड मनी कंसिडर करेंगे? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो बताइए यहां पर कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ओनली टू, ओनली 1, 2 एंड 3, ऑल 1, 2, 3 को हम यहां पर कंसिडर करेंगे ब्रॉड मनी के रूप में। प्रिया आंसर्ड ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे भाई, आंसर कीजिए। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये ओनली वन। करेंसी विद द पब्लिक जो हमारे पास है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद RBI, प्लस इसमें हम ऐड कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम के साथ में। क्लियर ही है? राइट। इसको हमने बोल दिया ओनली बी। पहला क्वेश्चन कहता है कीन्स। कीन्स कौन है? कीन्स है भाई JM कीन्स। जेम कीन्स जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जैसे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया,
ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जो किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की बात करते हैं, राइट, किसकी, इन्वेस्टमेंट सेविंग की। इसके पहले क्लासिकल थ्योरी आती है, फिर कीनीशियन थ्योरी आती है, और उसके बाद में हैंसन सिंथेसिस थ्योरी आती है। तो हमारी जो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हम तीन थ्योरीज को मेनली लेकर के चलते हैं। चलिए, तो अगला यहाँ पर देखते हैं कि जो कीन्स है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो किस चीज का रिवॉर्ड है। मतलब आप अगर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपको किस चीज के रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। सेविंग्स जो पोस्टपोन कर रही है कंजप्शन, आप रिस्क ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर, मतलब आपने जो भी रिस्क लिए इन्वेस्टमेंट करके, वो होल्डिंग मनी रेदर देन द बॉन्ड। हाँ, बीच में सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए होल्डिंग मनी रेदर देन बॉन्ड्स, मतलब हम जो पैसा रख रहे हैं बॉन्ड्स के अलावा उस पर हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो कीनीशियन थ्योरी है, ठीक है, कीनीशियन थ्योरी, मतलब देखो पहले कौन सी थ्योरी आई, क्लासिकल थ्योरी, फिर उसके बाद में कीनीशियन थ्योरी। तो ये कहता है कि कीनीशियन थ्योरी जो कीन्स की दी हुई थ्योरी थी, वॉट रोल डज लिक्विडिटी प्रेफरेंस प्ले इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब यदि हम मार्केट के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो कीनीशियन थ्योरी में लिक्विड या लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ये किस तरीके का रोल प्ले करता है, किस तरीके की चीज को प्ले करता है इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने में या डिटरमाइन करने में। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कीनीशियन थ्योरी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या प्ले करता है रोल इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में। इट इज इरेलीवेंट, ये इरेलीवेंट है टू इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के लिए इरेलीवेंट है। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है डिमांड फॉर मनी, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, इन्फ्लुएंस करेगा कि मार्केट में मनी की डिमांड है और वो इंक्रीज करेगा, राइट। तीसरा, इसके बाद कहता है कि ये डिटरमाइन करता है सोलली बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आएगा तो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस बताएगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। ये डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा या कितनी कम है, ये उसको ही डिटरमाइन कर रहा है, राइट। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट, हाँ जी। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, मतलब यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है ना, ये इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर किस तरीके से डिटरमाइन करेगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा डिमांड फॉर मनी को। मनी की जो डिमांड होगी ना, वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। जब हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करते हैं किसके साथ में, इंटरेस्ट रेट्स के साथ में, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीन्स के हिसाब से व्हाट इज द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पर जो कीन्स हैं, जे एम कीन्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी डिटरमिनेंट मतलब कौन है जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को चेंज करने में, फ्लक्चुएट करने में मेजर रोल प्ले करता है या उसमें इन्वॉल्व है। टाइम प्रेफरेंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, टाइम प्रेफरेंस का मतलब है टाइम, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ मुद्रास्फीति, या फिर महंगाई, है ना, इसी को महंगाई बोल सकते हैं हम, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, बताइए। तो जो कीन्स है, इनके हिसाब से प्राइमरी डिटरमिनेंट कौन है इंटरेस्ट रेट का, राइट। ओनली सौरभ श्रीवास्तव आंसर्ड, व्हाई अदर मेंबर्स आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस। भाई सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ जी बिल्कुल, आप आंसर बताते चलिए, अगर सही है तो अच्छी बात है, और गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, राइट।
चलिए तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, कि ऑब्वियसली ये जो है ना, ये IS LM कर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस टू मनी सप्लाई कहलाता है ये LM। तो ये डिटर्मिनेंट कौन होगा इंटरेस्ट रेट का, कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, यहाँ पर कितनी लिक्विडिटी की हमें रिक्वायरमेंट है। वॉट डज द क्लासिकल थ्योरी सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर जो क्लासिकल थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी है इंटरेस्ट सेविंग्स की, सॉरी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की, IS जिसको हम बोलते हैं, ये कहता है कि क्लासिकल थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, किसके बारे में सजेस्ट करती है, कि क्या रिलेशनशिप होगा सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का। वॉट डज द क्लासिकल थ्योरी सजेस्ट, जो क्लासिकल थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। सेविंग्स हमेशा इक्वल रहेगी इन्वेस्टमेंट के, मतलब जितना आप सेव करोगे उतना ही हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, पहला। दूसरा कहता है कि सेविंग्स एक्सीड, जो आपकी सेविंग्स है ना वो ज्यादा होंगी इन्वेस्टमेंट से किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में। हेल्दी इकोनॉमी मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट अनरिलेटेड है, इसका कोई रिलेशन नहीं है सेविंग्स के साथ में। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एक्सीड सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा सेविंग्स को बढ़ाता है या उससे ज्यादा रहेगा। बताइए अब क्या लग रहा है सौरभ जी, आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप? हाँ जी वेरी गुड, इस बार आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेविंग्स है ना ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है किसकी, इन्वेस्टमेंट के। सेविंग्स ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने अगर 10 रुपये बचाए तो 10 में से ही तो आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो ज़्यादा तो कर नहीं सकते, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वल वाला आपको कॉन्सेप्ट होगा, जितना हम यहाँ पर सेव करेंगे उतना ही हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द इंटरेस्ट रेट्स बिलीव्स दैट द इंटरेस्ट रेट आई आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है ना वो ये मानते हैं, ये भरोसा करते हैं, ये ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो प्राइमरीली किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, या फिर सप्लाई और डिमांड किसकी, लोनेबल फंड्स। लोनेबल फंड्स का मतलब होता है द अमाउंट विच कैन सप्लाई एज लोन। राइट वेरी गुड, क्या बोलते हैं आप सभी लोग, बताइए इसका क्या आंसर आप लोगों को लगता है। ऑल द बैंकर्स हु आर हियर, व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, इंटरेस्ट रेट प्राइमरी किस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर वुड बी सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड। लोनेबल फंड की कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है, मतलब मार्केट में लोन के लिए कितनी डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी। अब मान लो जैसे लोन जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है और डिमांड कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। लेकिन अगर लोन की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, एक बैच और है जिसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। एक बैच बोल सकता हूँ या बोल सकता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के लिए। सब्सक्रिप्शन प्लान को मैं बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पर ये पर्टिकुलर JAIIB सुपर एलीट सब्सक्रिप्शन प्लान आपको प्रोवाइड करता है। आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं जो हमने डिजाइन किए हैं JIIB एग्जाम 2024 को फोकस करने के लिए, जून के लिए। मतलब यहाँ पर सिलेक्शन बैच, सिलेक्शन टू, लक्ष्य लक्ष्य टू, क्रैश कोर्स, क्रैकर बैच, कैप्सूल बैच, या मैं बोलूँ श्योर सक्सेस बैच का एक्सेस आपको मिलेगा। आप चाहो तो जब चाहे तब लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं, या PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलता है एनरिच्ड कंटेंट ऑफ ऑल द 4 पेपर्स विच इज डिजाइंड बाय द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस बैंक प्रोफेशनल जिन्होंने अपना ऑलिव बोर्ड, जिन्होंने अपना JIIB एग्जाम क्वालिफाई किया है या अपियर किया है। इसी के साथ आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, केस स्टडीज और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट पर सब्जेक्ट,
इसके अलावा आपको 120 प्लस केस स्टडीज मिलेगी, यानी कि 30 केस स्टडी आपको मिलेगी पर, सॉरी 30 टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको पर सब्जेक्ट। इसके अलावा 50 आपको केस स्टडीज मिलेगी और न्यूमेरिकल टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अगर इस बैच में या इस सब्सक्रिप्शन प्लान में एनरोल करना है तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, और आप जब एनरोल करते टाइम यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए और जुड़िए हमारे साथ यानी ऑलिव बोर्ड के साथ। तो ये कोर्सेज आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट www.oliveboard.in या फिर मोबाइल ऐप पर भी आप जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की, तो जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेकर गया। पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमेटी टू। आप सभी को पता होगा नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी, तो नरसिम्हन कमेटी टू की रिकमेंडेशन पर जो नैरो बैंकिंग है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बैंक्स एनपीए, बैंक का जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स टू असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर बेटर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनपीए है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसके पास में, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में फॉर द बेटर मैनेजमेंट। एक ऑप्शन नंबर टू कहता है कि जो वीक बैंक होते हैं ना शुड प्लेस देयर फंड्स ओनली इन शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री असेट्स, कि जो वीक बैंक होते हैं, वीक बैंक कौन से होंगे, जिन बैंक्स के एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं, जिन बैंक का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, जिन बैंक का मैनेजमेंट सही नहीं है, उनको हम वीक, और बेसिकली वीक बैंक का मतलब हम अगर बात करते हैं तो उस बैंक को बोलते हैं जिसका एनपीए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक इज फेल्स टू मेंटेन और टू कंट्रोल द एनपीए, कि जो बढ़ता हुआ एनपीए उस मैनेजमेंट को, जो बैंक का मैनेजमेंट है उस बढ़ते हुए एनपीए को रोक ही नहीं पा रहा, और एनपीए आपकी बैंक का लगातार बढ़ता जा रहा है, रिकवरी आप कर नहीं पा रहे हैं। तो वीक बैंक कौन सा बैंक हुआ, वो बैंक जो अपने एनपीए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है और रिकवरी के कोई प्रोविजंस स्ट्रिक्टली वो अडॉप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे बैंक जो होंगे वो अपने फंड्स को इन शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करें, इसको हम यहाँ पर नैरो बैंकिंग बोलेंगे क्या, चलिए देखते हैं। थर्ड कहता है कि बैंक का जो एनपीए है ना वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके टोटल असेट्स की, और ऑल ऑफ द अबव। नरसिम्हन कमेटी, एम नरसिम्हन के अंडर में ये कमेटी बनाई गई थी, कमेटी टू की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नैरो बैंकिंग का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। तो सभी लोग जो भी जिसको आंसर लग रहा है, माइक इज इनम्यूटेड, भाई आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी। माइक अनम्यूटेड है भाई, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या, मुझे लगता आनी चाहिए, आ भी रही होगी, अनम्यूट है करेक्ट, आवाज वगैरह आ रही है ना, आप ओके लिख के भेज दो भाई, सब सही है तो बिल्कुल राइट। करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग जो भी आंसर करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वी। बी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नैरो बैंकिंग का मतलब है कि मान लीजिए हमारे जो भी वीक बैंक्स होते हैं वो अपने फंड्स को शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करें, यही नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्वीपिंग रिफॉर्म, इनमें से कौन सा स्वीपिंग रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। डी लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, डी लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स का मतलब है, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, यदि आप आयात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइसेंसिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और वही लोग लाइसेंस, वही लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं जिनको अलाउ किया गया, जिनके पास में लाइसेंस है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम डी लाइसेंसिंग कर देंगे, मतलब इम्पोर्ट्स के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना होगा। टाइटनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो होंगे उनको मजबूत करना, और लाइसेंस राज को पूरी तरीके से खत्म कर देना थर्ड, और फोर्थ कहता है पैगिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को पैग करना, मतलब उसको हम कलेक्टिवली यहाँ पर डिफाइन करें या कलेक्टिवली हम उसे कैलकुलेट करें। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 एंड 2, बी कहता है 3 ओनली, सी कहता है ओनली, वेरी गुड इवनिंग रवि जी, सी कहता है 2 ओनली एंड डी कहता है 2 एंड
फोर ओनली, बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? स्वीपिंग रिफॉर्म का मतलब क्या होगा? ए बी सी डी, जो भी आपको लग रहा है बताइए। गलत होगा तो कोई बात नहीं, सही आंसर के लिए हम सही आंसर आपको बताएंगे। तो देखो, डी लाइसेंसिंग जो होगा वो स्वीपिंग रिफॉर्म में नहीं आएगा, ये रेगुलेटरी रिफॉर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर, मतलब स्टेटमेंट नंबर वन तो यहाँ आएगा नहीं, स्टेटमेंट नंबर थ्री ये भी लाइसेंस से रिलेटेड हो गया तो ये भी चला गया। अब अगर मैं बात करूँ स्वीपिंग रिफॉर्म की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को टाइट करना और पैगिंग द एक्सचेंज रेट को क्या करना, पैक करना, मतलब एक साथ कलेक्टिव वे में कैलकुलेट करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट टू एंड फोर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं जब बात करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की जब बात की जाती है यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बीच में भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग आंसर करते चलिए भाई, जो भी आपको लग रहा है। मैं देख रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो हमारे आरआरबी है ना, रीजनल रूरल बैंक जो है, वो सेटअप किए गए थे ड्यूरिंग व्हाट, द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, द सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, द थर्ड फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और द फोर्थ फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बताइए कब इन्हें सेटअप किया गया था? तो हम जब बात करते हैं यहाँ पर, 1975 में आरआरबी एस्टेब्लिश किए गए थे। फर्स्ट फेज आपका आता है 47 से, सेकेंड स्टार्ट होता है ये 70-75 वाला। तो यहां पर मैं बात करता हूँ आरआरबी जब सेटअप किए गए हैं तो ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर आरआरबी को सेटअप किया गया था। आरआरबी की अगर मैं बात करूं तो जो पहला आरआरबी है उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, और इसे सेटअप किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को यूपी के मुरादाबाद में। कहां पर? मुरादाबाद यूपी में, राइट, मुरादाबाद यूपी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये पहला आरआरबी था, ठीक है। तो 1975 में आरआरबी सेटअप किए गए थे। आरआरबी का जो शेयर होता है कैपिटल का, वो होता है 50:35:15। 50% जो कैपिटल शेयर होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35 होता है स्पॉन्सर्ड बैंक्स का, और 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। देखो, इनफॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम का मतलब होता है जो सिस्टम जहां पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, अपने मनमानी से चले। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इनफॉर्मल का पार्ट नहीं है। इसमें से मनी लैंडर्स, म्यूचुअल फंड, रिलेटिव्स एंड महाजन। महाजन अपने हिसाब से लोन देते हैं, रिलेटिव्स का भी यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कोई रेगुलेटेड नहीं है, मनी लैंडर्स भी ऐसे ही काम करते। म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड बाय दी सेबी, करेक्ट, और उसके लिए यहाँ पर ये सेबी होता ही है। तो म्यूचुअल फंड जो है ये रेगुलेटेड बाय दी सेबी, तो ये किसका पार्ट है? ये फॉर्मल का पार्ट है। तो जो फॉर्मल का पार्ट हो गया वो इनफॉर्मल का पार्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पीजे नायक कमेटी फॉर्म की गई थी आरबीआई के द्वारा 2014 में, सर्व द पर्पज ऑफ, इसका पर्पज क्या था? जो पीजे नायक कमेटी बनाई गई थी इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या था 2014 में? ताकि गाइडलाइंस दे सके कमर्शियल बैंक्स को जो फंड करते हैं लीजिंग कंपनी, कंपनीज को लीज करने के लिए, रिव्यू करना गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जो बैंक्स के बोर्ड हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको रिव्यू करना, रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। यहाँ पर रिकमेंडेशंस देना जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको, और नन ऑफ दी अबव। बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है? जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भाई, जल्दी से सेशन को लाइक कर दें। राइट,
करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बेसिक मेन फंक्शन ये था कि रिव्यू करेगा। रिव्यू करना मतलब बैंक का जो बोर्ड है वो किस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो एनपीए की बात करें, चाहे रिकवरी की, या फिर हम बात करें किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स वो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह के कर रहे हैं। तो पीजे नायक कमेटी का मेन मोटिव ये था कि हम जो हमारे बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमारे हैं, उनका जो बोर्ड है वो किस तरीके से काम करता है, उस काम को रिव्यू करना। अगर कोई कमी है कुछ है तो उसे फिर वहां पर सही करने का काम करने का जो रिकमेंडेशन है वो देगा कौन? पीजे नायक जी। पीजे नायक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीजे नायक। चलिए आज के इस सेशन को हम एंड करेंगे। एंड करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन और है वो मैं आपको देना चाहूंगा। पहला ये कि हमारा मोबाइल ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यूट्यूब सेशंस की पीडीएफ यहीं से मिलेंगी। ऐप में जब आप नीचे जाओगे कोर्स वाले टैब में, तो वहां आपको हमारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जो सारी पीडीएफ्स होंगी आपकी किसकी, हमारे यूट्यूब सेशंस की। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स ऑन टाइम मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं और रिलेटेड टू IIBF या अपडेट्स जो भी होते हैं, उसके लिए आप जुड़ेंगे JAIB_CIB_OB। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं सेशन को एंड करूंगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है या सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा इसी तरीके के ऐसे ही एक और सेशंस के साथ और दूसरे सेशंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।